नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। यूसीसी के मुद्दे पर अब देश भर में राजनीति की जा रही है। आपको बता दें कि यूसीसी पर घमासान के बीच अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी बात को बेबाकी से रखा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नागरिकता कानून बनने के नाम पर हिंदुओं के धर्मशास्त्रों की बहुत सारी बातों को हटाकर उनकी जगह पर कानून बना दिया गया है। इस मुद्दे पर और क्या कुछ कहना है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का, आप भी सुनिए। क्षेत्र को महाभारत के अनुसार गोप राष्ट्र के रूप में भी जाना गया है। ये गुरु का स्वाभाविक है कि यहाँ आकर के हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। हमारे गुरुजी महाराज के प्रति अनन्य श्रद्धा रखने वाले यहाँ के हमारे सूर्यकांत शर्मा जी और आप सब लोग के इतने प्रेमी हैं कि इनके प्रेम का आकर्षण हम लोगों को यहाँ पर खींच लाया और हम निराश नहीं है, बहुत पसंद है। आपने सुना कि किस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म के शास्त्रों की बहुत सारी चीजों को हटाकर कानून बनाया गया है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म और संस्कृत पर समय समय पर अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी बातें रखते नजर आते हैं। इस समय देश में समान नागरिकता कानून पर बहस छिड़ी हुई है, ऐसे वक्त में उनका बयान देना काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी बात में उस परेशानियों का भी जिक्र किया है जो पिछले दशक से लोगों की परेशानियों का कारण बना हुआ है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार अपनी बातें रखते नजर आते हैं और हिंदू धर्म संस्कृत पर लगातार वो अपनी बात कहते नजर आते हैं। और एक बार फिर से यूसीसी के मुद्दे पर उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।